स्ट्राइक का नया नियम लागू होने में अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। 31 जनवरी 2019 ये है ट्राई की दी हुई लास्ट डेडलाइन सारे डीटीएच ऑपरेटरों को कि वो नए फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अपना सारा प्लान शेयर करें और अपने कंज्यूमर को माइग्रेट करें। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इतनी कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई है उसमें आपको करना क्या चाहिए और ट्राई ने एक्चुअली में क्या कहा है और आप किस तरह जल्दी से जल्दी इस नए फ्रेमवर्क में अपने आप को माइग्रेट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेकमिक्स और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले बात है कि ट्राई ने बोला था कि 29 दिसंबर से ये रूल मैं इंप्लीमेंट करूंगा, बट ड्यू टू सम प्रेशर फ्रॉम द ब्रॉडकास्टर एंड डीटीएच ऑपरेटर ये नियम कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो गया। लेकिन अब इसकी जो फाइनल डेडलाइन दी गई है वो 31 जनवरी है और ट्राई ने इसके लिए कंज्यूमर्स के मोबाइल पर SMS भेजना भी शुरू कर दिया है कि आप जल्द से जल्द अपने DTH ऑपरेटर से कांटेक्ट करें और जल्द से जल्द नए फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अपने पैक को चुन के आप माइग्रेट कर लें। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन की स्थिति अभी लोगों के बीच में बनी हुई है। बहुत सारे DTH ऑपरेटरों ने अपने अपने प्लान रिवील कर दिए हैं और ब्रॉडकास्टर ने कोशिश किया है कि वो बुके दें। उन्होंने इंडिविजुअल चैनल्स के भी प्राइस रिवील किए हैं लेकिन उनका मेन फोकस है कि वो एक बुके प्रोवाइड कर दें सो दैट कि उनके बहुत सारे चैनल्स उस बुके में आ जाए। जैसे स्टार ने अपना स्टार वैल्यू पैक किया है, जी ने फैमिली पैक किया है, सोनी ने हैप्पी इंडिया, इस तरह का पैक उन्होंने लाया है। लेकिन कंज्यूमर को इन सारे पैकेज के बीच में कन्फ्यूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको मिनिमम अपने घर में एक सेट टॉप बॉक्स चलाने के लिए ₹130 प्लस GST मतलब लगभग ₹154 देने पड़ेंगे और इस ₹154 में आप 100 चैनल तक देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात पहले ये थी कि आप 100 फ्री टू एयर चैनल ही देख सकते हैं लेकिन ट्राई ने ये क्लियर कर दिया है कि ये 100 जो चैनल हैं ये आपके चॉइस के होंगे। इसमें आप फ्री टू एयर चैनल भी देख सकते हैं, आप इसमें पेड चैनल भी देख सकते हैं, आप इसमें अला कार्टे चैनल भी ले सकते हैं और आप पैकेज बुके भी ले सकते हैं। तो क्या है कि अब आपको चैनल का सिलेक्शन अपने अकॉर्डिंग करना है। तो ये जो कन्फ्यूजन थी कि हम कितने चैनल लेंगे और ये ₹130 में मतलब बेसिकली ₹154 में हमें क्या मिलने वाला है, तो ये अब कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप चाहें तो फ्री टू एयर चैनल, आप चाहें तो फ्री टू एयर प्लस पेड चैनल, आप चाहें तो फ्री टू एयर प्लस जो ब्रॉडकास्टर ने बुके दिया है वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आप ये भी जान लीजिए कि ये सारे रेट जो हैं वो 100 चैनल तक के लिए है। जैसे ही आपका चैनल जो स्ट्रेंथ है 100 से एक्सीड करेगा तो आपको नेटवर्क कैपेसिटी फीस भी देनी पड़ेगी। अब ये नेटवर्क कैपेसिटी फीस क्या है? ये नेटवर्क कैपेसिटी फीस है कि अगर आप 100 चैनल से ज़्यादा देखते हैं तो आपको प्रति 25 चैनल ₹20 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब अगर आपने सपोज दैट ऐसा पैक लिया है कि आपके चैनल की संख्या 105 हो गई है तो चूंकि आपका 100 का जो रेशियो था वो एक्सीड कर गया है तो आपको ₹20 और देने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम द चैनल प्राइस। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। तो अब आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम उन्हीं चैनल को सेलेक्ट करें और साथ ही साथ कोशिश करें कि आप अप टू 100 चैनल तक ही सिलेक्शन कर लें अपने फ्रीक्वेंटली जो आप चैनल देखते हैं। इससे क्या होगा कि आप जो एक्स्ट्रा नेटवर्क कैपेसिटी फी है वो देने से बच जाएंगे। अभी यहाँ पे क्या है कि जैसे वीडियोकॉन, डिश टीवी और जो रिलायंस के जो बिग टीवी हैं, ये सारे जो DTH ऑपरेटर हैं उन लोगों ने धीरे धीरे अपना प्लान रिवील कर दिया है और उनके आप चैनल के जब गाइड वाले मेनू में जाएंगे तो वहाँ पे नए जो रेट्स हैं जो कि ₹0 से ₹19 तक वैरी करते हैं वो वहाँ पे शो करने लगे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी टाटा स्काई के कस्टमर्स को है क्योंकि टाटा स्काई ने अभी तक उसके किसी भी DTH प्लेटफॉर्म पे अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। इवन कि उसके जो कस्टमर केयर है वो भी आपको कोई जानकारी नहीं मुहैया करा रहा है। आप जब भी उसे कॉल करेंगे तो वो बोलेगा कि अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जैसे ही हमारे पास कोई जानकारी आएगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। तो टाटा स्काई के जितने भी उपभोक्ता हैं उनके लिए एक असमंजस की स्थिति है कि क्या होगा, कहीं 1 फरवरी के बाद से वो देख पाएंगे या ना देख पाएंगे। हालांकि ट्राई का कहना है कि
किसी भी सूरत में ये 1 फरवरी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने भी टाटा स्काई को चेतावनी दी है कि आप जल्द से जल्द अपने कंज्यूमर्स के पास इन्फॉर्मेशन शेयर करें। तो क्या है कि अब आप अपना जो चैनल है उसका सिलेक्शन काफ़ी सोच विचार करके करें, ताकि आपको एक्स्ट्रा जो नेटवर्क कैपेसिटी फ़ी है वो ना देनी पड़े। साथ ही साथ आप किसी भी ब्रॉडकास्टर के द्वारा दिए गए पैकेज पे ध्यान मत दीजिए। अगर आपको उस पैकेज के सारे चैनल अगर आप देखते हैं तब तो आप उस पैकेज के लिए जा सकते हैं। अगर आप उस पूरे पैकेज में से कोई एक ही चैनल देखते हैं या दो चैनल देखते हैं, तो आप पहले दोनों का रेट जो है उसके फुल बुके का और उस पार्टिकुलर चैनल का पहले आप एक बार दोनों को ऑब्जर्व कर ले। अगर मैं दो ही चैनल देखता हूँ और कंपनी मुझे 10 चैनल का बुके दे रही है जिसका कॉस्ट मुझे 50 रुपये आ रहा है और मुझे वो 2 चैनल 25 रुपये में मिल रहे हैं, तो मैं वही 2 चैनल लूँगा तो 25 रुपये मेरे उधर से भी बच जाएंगे। तो अब क्या है कि लोगों को कन्फ्यूजन था ये सस्ता होगा महंगा होगा क्या होगा, तो ये क्या है आप इसको अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितना सस्ता होगा कितना महंगा होगा। जाहिर सी बात यह है कि ये नया फ्रेमवर्क है, इसमें अभी काफ़ी सारे परेशानियां आपको भी आएगी और डीटीएच ऑपरेटर को भी आएंगी। तो सब लोग मिलके धीरे धीरे ये भी फ्रेमवर्क स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसमें और भी कुछ कटौतियां देखने को मिले और भी कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स हम लोग को देखने को मिले। तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना दिमाग लगाइए, दिमाग लगा के प्रॉपर चैनल को सेलेक्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस है आप उसे पे कीजिए। लेकिन एक बात यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये सारे जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो अभी स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल पे एप्लीकेबल हैं। हाई डेफिनेशन चैनल के लिए आपका कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एक तो हाई डेफिनेशन का जो पैकेज है जो ब्रॉडकास्टर ने पैकेज दिया है उसका रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरी बात ये है कि ट्राई ने जो एक इसमें जो लूप डाल दिया है, लूप नहीं कह सकते हैं, ट्राई का एक आप बोल सकते हैं कि जैसे जो ज़्यादा HD चैनल देखते हैं उनसे ज़्यादा पैसा लेने के लिए उसने एक नया इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया है कि आप अगर एक HD चैनल लेते हो तो उसे 2 स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल के बराबर काउंट किया जाएगा। इट मीन्स अगर आपने 20 हाई डेफिनेशन के चैनल लिए तो आपकी नेटवर्क कैपेसिटी में वो 40 माना जाएगा। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आप जितने भी HD चैनल लेंगे उसमें आप 2 SD चैनल ले सकते हैं। तो HD और HD में SD में आप ध्यान देंगे कि भाई HD में एक चैनल बराबर 2 SD चैनल होता है, तो इसमें नेटवर्क कैपेसिटी फ़ी आपकी बढ़ जाएगी और आपका जो ओवरऑल जो पैकेज का जो कॉस्ट पड़ेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप HD तभी लें जब आप HD देखना पसंद करते हो, और उन्हीं चैनल्स को लें जो आप फ्रीक्वेंट देखते हैं। ये नहीं कि HD के 50 चैनल ले लिए, 50 चैनल भी तो उतने लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और मैं जैसे ही टाटा स्काई की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं सबसे पहले आपको शेयर करूँगा, क्योंकि भाई बाकी सारे जो हमारे उपभोक्ता हैं जो अलग अलग DTH ऑपरेटर से जुड़े हुए हैं उनको तो थोड़ी राहत पहुंच रही है कि एटलीस्ट प्राइस तो दिख रहा है, लेकिन टाटा स्काई के जो कस्टमर हैं वो तो पूरी तरह से ब्लैंक हैं कि क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस तरह की जानकारी मैं आपको देता ही रहूँगा। थैंक यू।